सर मैं जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वादा देख रहे हम 6130 पर है और 6150 का ही लगा चुका है, 3.5% की तेजी है। और बहुत सारे हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं जिनका लगातार सोयाबीन को लेकर सवाल आ रहा है कि सोयाबीन में अब ये जो तेजी बनी है ये कब तक कायम रह सकती है और सोयाबीन में अभी क्या करके चलना सही रहेगा। देखिए, 5700 के ऊपर निकलने के बाद हमने देखा है कि अच्छी खासी या बड़ी तेजी है देखने मिली है, जहाँ लगातार पिछले 2 सेशन में ही लगभग 4 से 5% की तेजी हमने देखी है। मुझे लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी। काफी समय के कंसोलिडेशन के बाद जहाँ पर दाम जो थे 5200 के आसपास भी फिसल गए थे, उसके बाद हमने एक तेजी का रुख देखा है और ऐसा लगता है ये सस्टेन होकर प्राइसेस जो है 6500 तक भी एक्सटेंड करेंगे अपने गेम जो है, तो एटलीस्ट आने वाले 2 से 3 सप्ताह के लिए तो तेजी की उम्मीद बनी हुई है। जी अमित जी, हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी तो निकल के सामने आई है, लेकिन हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब सोयाबीन की कीमतों में 11,000 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, तब सरकार ने सोयाबीन ऑयल केक यानी सोया खली के इंपोर्ट का फैसला लिया था, क्योंकि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री वो काफ़ी नुकसान झेल रही थी। अब कुछ ऐसी ही खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री एक बार फिर से खतरे की ओर है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है, मांग भी की है कि सोयाबीन का वायदा बंद किया जाना चाहिए और जो बची कुछ ही सोयाबीन की जो खली है उसका आयात मार्च 2022 के अंत तक कर देना चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार एक बार फिर से सोयाबीन को लेकर कोई फैसला ले सकती है? जी देखिए, वायदा बाजार के होते हुए भी हमने दाम जो थे वो 11,000 से 5,000 तक जाते हुए देखे थे, तो मेरा मेरा मानना है कि वायदा बाजार में गिरावट भी आती है और सिर्फ तेजी ही आए उधर भी, वो डिपेंड करता है अंडरलाइन फंडामेंटल्स पे यानी डिमांड और सप्लाई पे। तो वायदा बाजार के ट्रेड्स को बैन करने से मुझे नहीं लगता कि जो अंडरलाइन फंडामेंटल है वो चेंज हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कुछ महीनों की गिरावट के बाद हमने रोजाना सोयाबीन को उभरते हुए देखा है निश्चित स्तरों से, तो वो भी एक अंडरलाइन चीज कहीं के सोयाबीन को सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बेसिस तो सोयाबीन के दाम और बढ़ेंगे। और हाँ, जो आयात की बात है, हो सकता है कि सरकार उस चीज पर एक फैसला ले, लेकिन बैनिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रही है एज ऑफ नाउ। जी,